भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा, रिंकू सिंह और सरफराज खान का आया तूफान। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। चौथे टेस्ट मुकाबले में इन बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से दोहरा और तेहरा शतक ठोक दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज रोहित शर्मा और घातक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और सरफराज खान की बल्लेबाजी देखकर काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो गए। कई गेंदबाजों ने जो है अपने हाथ खड़े कर लिए और इंग्लैंड के कप्तान को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इंग्लैंड के कप्तान का भी माथा चकरा गया जब सरफराज खान ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐतिहासिक पारी खेल डाली। यहां पर रोहित शर्मा, शुभम गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, घातक से घातक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया सरफराज खान ने और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐतिहासिक पारी खेल डाली। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट दिखाने वाले हैं कि भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच यहां पर चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के घातक विस्फोटक शेरों ने इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और इंग्लैंड के जो है विस्फोटक से विस्फोटक गेंदबाज इनके सामने पानी भरते हुए नजर आए। तो बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक अवश्य कर देना। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब चौथे टेस्ट मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और बल्लेबाजी का न्योता भारतीय टीम को दिया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से सबसे घातक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर गए, जहां पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने काफी बेहतरीन तरीके से शुरुआत की और रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर में शानदार गगनचुंबी 2 छक्के और 3 चौके जड़ दिए। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर रोहित शर्मा तबाही भरी बल्लेबाजी करने लगे। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर यहां पर हर कोई हैरान था। तो वही 21 साल का होनहार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी कहां पीछे जाने वाला है। यशस्वी जायसवाल ने भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से 5वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके जड़ दिए। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाजों ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल को आउट करने के लिए, लेकिन यह बल्लेबाज मैदान पर भूखे शेर की तरह डटे थे। लेकिन भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया। आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम के घातक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल जब आउट हुए, आप सभी को बता दें यशस्वी जायसवाल 11वें ओवर की 4वीं बॉल पर यहां पर आउट हो गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन पारी खेली और 11 ओवर तक जाते ही 55 रन ठोक दिए, जहां पर यशस्वी जायसवाल जब कैच आउट का सामना कर बैठे तो मैदान पर इंडिया टीम के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल मैदान पर आए बल्लेबाजी करने के लिए। शुभमन गिल काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करते हैं और दूसरे टेस्ट मुकाबले से अपना काफी बेहतरीन तरीके से कमबैक भी कर चुके हैं। शुभमन गिल ने यहां पर भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू की और शानदार पहले ही ओवर में आकर के 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया, जहां पर 8वें ओवर में शुभमन गिल ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से 21 रन ठोक दिए। शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर खूब गवाही भरी बल्लेबाजी की, लेकिन रोहित शर्मा खूंखार विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा तीसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन 19 रन बनाकर के पवेलियन का रास्ता देख गए थे और उन्होंने चौथे टेस्ट मुकाबले में पूरी की पूरी कसर निकाल दी। चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन रोहित शर्मा ने यहां पर 28 ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के जड़ दिए और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो वही शुभमन गिल भी तूफानी विस्फोटक तरीके से डटकर मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। आप सभी को बता दें कि यशस्वी जायसवाल जब आउट हुए तो भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लगा, लेकिन शुभमन गिल ने पारी को संभाला और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से 61 रन ठोक दिए, जहां पर 45वें ओवर की 6वीं बॉल पर भारतीय टीम को एक और काफी बड़ा झटका लग गया। भारतीय टीम के घातक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल आउट हुए तो मैदान पर सनसनी सी छा गई, जहां पर रोहित शर्मा का साथ देने के लिए फिर मैदान पर एक ऐसा बल्लेबाज आया जिसने तबाही भरी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उस बल्लेबाज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तीसरे टेस्ट मुकाबले में उस बल्लेबाज ने डेब्यू करते ही तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। जी हां, बात करने वाले यहां पर सरफराज खान की। चौथे टेस्ट मुकाबले में इस बल्लेबाज ने मैदान पर उतरते ही ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना शुरू कर दिया। आप सभी को बता दें कि सरफराज खान वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, वो चट्टान है जो मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करता है और सामने वाले गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा देता है। सरफराज खान ने चौथे टेस्ट मुकाबले में आते ही तबाही भरी बल्लेबाजी की, जहां पर रोहित शर्मा ने दौड़कर सरफराज खान को गले लगा लिया। सरफराज खान की बल्लेबाजी देखकर उनके पिता के आंख से आंसू छलक आए और काफी ज्यादा वो खुश भी थे। आप सभी को बता दें कि सरफराज खान ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा ने भागकर उनको गले लगाया।
क्योंकि सरफराज खान ने यहाँ पर जो है 55वें ओवर की 6 गेंदों पर गगन चुमती 6 छक्के जड़ दिए, जहाँ पर युवराज सिंह, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी हर किसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोच राहुल द्रविड़ का भी माथा चकरा गया और सरफराज खान को सलाम ठोका। सरफराज खान ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को खुला चैलेंज कर दिया कि दम है तो मुझे रोक कर दिखाओ, क्योंकि यहाँ पर सरफराज खान की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने ऐतिहासिक पारी खेल डाली और इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरफराज खान काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर के धोरे थे, तो वहीं रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर बरसाया कि रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के कई गेंदबाजों के पसीने छूटने लगे। अब रोहित शर्मा और सरफराज खान तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर 70 ओवर तक जाते जाते रोहित शर्मा ने 140 रन ठोक दिए और रोहित शर्मा ने धीरे धीरे 75 ओवर तक जाते जाते यहां पर 200 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। लेकिन यहां पर जो है 78वें ओवर की 6ठी बॉल पर रोहित शर्मा क्लीन बोल्ड हो गए, जहां पर जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए मैदान पर सरफराज खान बिल्कुल अकेले पड़ गए। लेकिन फिर सरफराज खान का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा और हमारे जड्डू भाई मैदान पर आए। रविंद्र जडेजा एक खुकार विस्फोटक ऑलराउंडर है, गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी जो है बिल्कुल चार चार लगा देता है। रविंद्र जडेजा ने यहां पर 78वें ओवर में शानदार विस्फोटक बल्लेबाजी से 4 छक्के 2 चौके जड़ दिए, जहां पर 80 ओवर में रविंद्र जडेजा ने 4 छक्के और फिर 1 चौका जड़ दिया। रविंद्र जडेजा काफी खुकार विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहा था। वहीं सरफराज खान की बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज काफी ज्यादा हैरान परेशान थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों के हाथ से चौथा टेस्ट मुकाबला भी निकला जा रहा था। यहां पर रोहित शर्मा और घातक विस्फोटक बल्लेबाज जब आउट हुए तो रविंद्र जडेजा ने पारी को संभाला और रविंद्र जडेजा, सरफराज खान तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन भारतीय टीम को यहां पर 91 ओवर की 4थी बॉल पर एक और काफी बड़ा झटका लग गया, जब रविंद्र जडेजा जैसे खुकार विस्फोटक बल्लेबाज आउट हुए, जहां पर सरफराज खान का साथ देने के लिए मैदान पर इंडिया टीम की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली आ गए। विराट कोहली ने मैदान पर आते ही तबाही भरी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। विराट कोहली की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर देखकर हर कोई हैरान था। विराट कोहली भूखे शेर की तरह मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज विराट कोहली के बल्लेबाजी देखकर काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा रहे विराट कोहली ने जो है फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन सरफराज खान को आउट करने के लिए एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। सरफराज खान काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। सरफराज खान की बल्लेबाजी देखकर यहां पर हर कोई हैरान था। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी भी चौंक गए। यही एक तरफ इंग्लैंड के कप्तान का तो माथा ही चकरा गया। सरफराज खान और विराट कोहली ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की, जहां पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन जब 103वें ओवर में रोहित शर्मा यानी कि जब आउट हुए तो यहां पर 103वें ओवर में लगातार यहां पर विराट कोहली ने 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके जड़ दिए, जहां पर विराट कोहली ने शानदार विस्फोटक बल्लेबाजी की। लेकिन जब विराट कोहली भी आउट हो गए 105वें ओवर के 6ठी गेंद पर कैच आउट का सामना कर बैठे पॉप के हाथों, तब यहां पर जो है सरफराज का साथ देने के लिए मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज यानी कि रिंकू सिंह मैदान पर आ गए। रिंकू सिंह काफी खुकार विस्फोटक बल्लेबाज है, जिन्होंने घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कई मैचों में कहर बरसाया है। रिंकू सिंह का एक रिकॉर्ड है कि रिंकू सिंह ने अगर आज तक 20 मैच खेले तो उसमें सिर्फ 3 या 4 मैच में ही उसको क्लीन बोल्ड कर पाया है। रिंकू सिंह ने चौथे टेस्ट मुकाबले में आते ही तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। चौथे टेस्ट मुकाबले में रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐतिहासिक पारी खेल डाली। रिंकू सिंह ने आते ही मैदान पर तबाही भरी बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। चौथे टेस्ट मुकाबले में रिंकू सिंह ने 110वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के जड़ दिए, जहां पर युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और यूं ही नहीं, इनका बल्ला इस कदर मैदान पर चलता रहा, फिनिशर के नाम पर जाने जाने वाले रिंकू सिंह, महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में खेलते रहे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धोते रहे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच एक वार्म अप मुकाबला था, रियल मुकाबला है वो 23 फरवरी को खेला जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और क्रिकेट से जुड़ी हुई जानकारी हमेशा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।